अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू हिनालिशियस व्लॉग। तो आप हिनालिशियस व्लॉग की तरफ से आप सब कैसे हैं? आज हम ये कोरियन नूडल्स का रिव्यू करने वाले हैं। यहाँ हमने कोरियन नूडल्स का 3x3 लिया है, तो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। और वीडियो आगे देखने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर 1 कप पानी हमने बॉयल करने के लिए रख लिया, नूडल्स बॉयल करने के लिए। तो ये हम लोग जो है नूडल्स खोलने लगे हैं। ये हमने खोल लिया, ये हमने इससे नूडल्स निकाल लिए हैं। और ये जो है इसका रेड चिली सॉस है और ये इसका मसाला है। तो चले ऐड करना शुरू कर। हमारा पानी जो है बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है, तो इसमें हमने ये नूडल्स डाल दिए हैं। और ये देखिए यहाँ पे हमारे नूडल्स पक रहे हैं। तो जैसे कि आप सब यहाँ देख सकते हैं, ये हमारे नूडल्स जो हैं बॉयल हो चुके हैं और ये करीब 5 मिनट तक इन्हें बॉयल होने के लिए हमने छोड़ा है। तो अब ये बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमने इन्हें स्ट्रेन करके बोल में डाल लिया, तो अब हम इसके स्पाइसेस ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा स्पाइसी है ये, उसमें ये जो है हद से ज़्यादा स्पाइसी है। तो इसे एक बार से ज़्यादा दोबारा मत ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अल्लाह हाफिज़, हम जल्द आपके साथ आपको नई वीडियो के साथ मिलेंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये इतने ज़्यादा स्पाइसी हैं कि बच्चों से खा ही नहीं गए। इसको खाने के बाद जो हालत हो गई थी बच्चों की कि उनका मुंह, आंख, इतना शदीद लाल हो गया था। और ये रियली डेंजरस है, मतलब इसको खाने के बाद 10 मिनट तक बच्चों की हालत देखने वाली नहीं। ये 10 मिनट बाद कहीं जाके थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ था। तो मेरी माने तो अगर आप ये बनाएं और टेस्ट करें तो कोशिश करें कि आधा पैकेट बनाएं और आधे इंग्रेडिएंट्स डालें। इनके सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद ये खाने के काबिल नहीं है। और कोशिश करें कि 10 साल से छोटे बच्चों को आप टेस्ट भी ना करें। ये इतना अनहेल्दी और एक्स्ट्रा स्पाइसी है, 3x स्पाइसी है ये। तो एक्सपीरियंस किया, खाया काफ़ी देर तक, तो मुझे भी मतलब उसके स्पाइसेस फील हुए। और मैंने अपने साथ एक छोटा सा जुल्म किया कि मैंने 15 मिनट तक कोई पानी कुछ भी नहीं खाया। लेकिन मतलब अब मुझे फील हो रहा है कि मेरे गले में थोड़ी सी ना ऐसे दर्द सा स्टार्ट हो गया है। तो ये एक बैड एक्सपीरियंस था। इसके नस्बत जो पाकिस्तानी ब्राज़ीलियन नूडल्स हैं वो एक्सेप्टेबल हैं, वो खाए भी जा सकते हैं। और उन्होंने मतलब मैदे का और मुँह का इतना बुरा हाल नहीं किया था जितना इन कोरियन नूडल्स ने किया था। तो एक्सपीरियंस वॉज नॉट गुड, नॉट हेल्दी। बस सोच समझ के ट्राई कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे हिनालिशियस व्लॉग से इजाज़त दीजिए। इससे पहले जो वॉइस सुन रहे थे वो मेरी बेटी मीरब की थी, जिसको आज का व्लॉग बनाने का शौक़ हुआ था। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अपने सपोर्ट को मेरे साथ साथ रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, दूसरों में खुशियाँ बांटिए और अपनी खुशियों का इंतज़ार कीजिए। With an emo chick that's broken, just that college drop the music. Every day like that, she be too thick, and my friends are all annoying. But we go dumb, yeah, we go stupid. Just that 10K on the table, just so we can be secluded in the.